तो बताइए सीमा जी, हिंदुस्तान किस लिए आई है, अब क्या आपका मकसद है? हम सचिन जी से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान चले आए। oh, no. तो आप अकेला भी तो आ सकते थे, तेतामनी के वायरस के काहे लेकर आई है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, वाटर पट्टा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए हम सचिन जी के गांव तरफ आ चुके हैं, तो हम मिलवाने वाले हैं, देखिए उन्हीं के गांव के लोग लगता है, तो हम पूछेंगे इन लोग से सवाल। तो बताइए सर, आप इसी गांव से हैं? जी जी, इसी गांव से हैं हम। ओ, इसी, तो जो सचिन जी का जो वीडियो वायरल चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे, एकदम सरासर गलती है उसको। oh, no. गलत काम किया ना। पहला बात तो है कि हमारा चचेरा भाई है, लेकिन भाई कहने में भी हमको शर्म लग रहा है। तो मतलब ऐसा काम किया है, मतलब आपको शर्म भी लग रहा है कि भाई वही कहते हुए? यस सर। तो लोग बता रहे हैं कि जो सीमा जी हैं, जो घुसपैठिया है अपना मकसद के लिए आई है, तो इसका सही बात है? ये कहने की बात है, वो तो घुसपैठिया है, ये है। देखो तो लड़का है एकदम काकड़ी नियन है, पागल नियन देखे में लगता है, और लड़की एकदम टमाटर नियन गोल है दम, उसको कैसे ले लाया दल में, कुछ तो काला है। तो आप सब देख सकते हैं, उन्हीं के गांव के लोग से हम मिलवाए, तो क्या बात बोल रहे हैं कि दाल में कुछ काला है, और सचिन जी के चचेरा भाई है, साफ साफ इनका कहना है कि लड़का सुकल सकल काकड़ी तरह है, और औरत जो है टमाटर एकदम उसका गाल है, फिर भी वो लड़का पर कैसा आ गया है, कुछ गड़बड़ है। तो बताइए, जो सचिन लेके आ गया है पाकिस्तान के सीमा, ये का सही है गलत है? बिल्कुल गलत है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप सब क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? क्या कहेंगे, एकदम गलत है, वो उसका पाकिस्तान दोबारा भेज दिया जाएगा। हाँ, मनो आप लोग का कहलाम है कि पाकिस्तान मनो भेज दिया जाए। हाँ, मनो हिंदुस्तान में मनो नहीं रहने दीजिए उसको, नहीं रहने देंगे। हाँ, हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेज देना। हाँ, देखिए इनको क्या कहलाम है, वीडियो में आप सब बना रही है, देखिए आप सबसे हम मिलवाएंगे कि आखिर मैटर ये सब क्या है, हम और सीमा जी के घर जा रहे हैं, उनसे भी हम मिलवाएंगे क्या क्या मैटर हुआ जाए। कैमरा मैन फोकस करते रहिए, अब चलिए। सर कचू अरे, एगो बहुत बड़ा गलती हो गेलो, कुछ गड़बड़ हो गया रे, जे जखनी सीनो करथले सुना होलो तो जखनी बोल नहीं हुआ था, तो हमको बोलना चाहिए ना। हम लोग जी मार दे रहा सर, काहे थू काहे से की एगो कैमरा ले दा, फुटल फटल मार दे ला है, टिपा हो है ना, तो हम दोबारा कर लेते ना। चलो हुआ पजी, अच्छा तरह कैमरा कने गबड़ाएगा तब बोलना, ठीक ना, चलो सर। तो हेलो सीमा जी, आटर पटर चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सचिन जी नजर नहीं पड़ रहे हैं? वो अभी बाथरूम में गए हैं। अच्छा, बाथरूम गए हैं, कोई बात नहीं है, आप ही से हम सवाल कर लेते हैं, इसो बच्चा कौन है सीमा जी? सब हमारा वायरस है। मतलब नहीं समझे सीमा जी? सब हमारा ही बच्चा है। वो 30 बच्चा को लाए हैं पाकिस्तान के हिंदुस्तान में फैलाने के लिए, आप जो भी समझिए। तो बताइए सीमा जी, हिंदुस्तान किस लिए आई है, अब क्या आपका मकसद है? हम सचिन जी से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान चले आए। तो आप अकेला भी तो आ सकते थे, तेतामनी के वायरस के काहे लेकर आई है? वायरस से जितना प्यार करते उतना सचिन जी से भी करते हैं हम। तो आपका जो पहला पति था उससे आपका प्यार नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो इसीलिए चला आए हैं, लोग जो कह रहे हैं कि आप घुसपैठिया हैं, अपना मकसद के यहाँ आए, मतलब आए हैं, आपका कुछ राज है, आपको कोई भेजा है, ये सही बात है? ये सब जो भी बोल रहे हैं सारा अफवाह है, सच तो ये है कि हम सचिन जी से बहुत प्यार करते हैं, और सचिन जी के बिना हम रह नहीं सकते। लोग कह रहे हैं कि सीमा जी को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, तो क्या आप जाएंगे पाकिस्तान? हमारा हिंदुस्तान जेल जाना पसंद है, लेकिन पाकिस्तान नहीं, काहे ना हमारा जान चल जाए। कितना मतलब सचिन जी से प्यार हो गया कि आप पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तो आप यहाँ हैं तो क्या ऐसा बाल बच्चा आपका है जो खुश है यहाँ पे? काहे नहीं खुश रहेगा बाल बच्चा, यहाँ दादा है, दादी है, पूरा परिवार है, तो काहे ना खुश रहेंगे बाल बच्चा। तो आप मतलब सोच लिए हैं कि हम नहीं जाएंगे, मतलब पाकिस्तान तो नहीं जाना है, यहीं पर जी हमको तो मरना है तो मरना है सचिन जी के साथ में ना? हाँ, यही मरेंगे, हम कसम खा गए हैं कि सचिन जी के साथ पूरा जिंदगी गुजार देंगे। अभी आपका बाल बच्चा के कितना सबके उम्र हो चुका है जो गोदी में है जो? ये 2 साल के है, ये 3 साल के, ये सब 4-5 साल के हो गया है। तो इतना देरी हो गया सीमा जी, लेकिन अभी तक कल सचिन जी बाथरूम से नहीं आए हैं? उनको 2-3 दिन से पेट खराब है, इसीलिए बार बार बाथरूम जा रहे हैं। ओ, लेकिन बहुत ही लेट कर रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या हुआ बाबू? छेरहिया। ओ छेरहिया। ओह नो। बहुत लेट हो गया, लेकिन अभी तक सचिन जी नहीं आए हैं। बताइए सर, मीडिया के डर से नुकारा बाथरूम में। क्या ये मतलब बाथरूम करे नहीं गए हैं सचिन जी, मीडिया के नाम सुन के मतलब डर से बाथरूम में नुकायल है? कैमरा मैन बाथरूम के तरफ फोकस कीजिए, तो जल्दी सु फोकस करिए, तो फोकस करिए।
तो हेलो सचिन जी, हम अटल पटल चैनल से आए हैं, तो जरा जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए सचिन जी। सचिन जी उतना भी जल्दीबाजी ना कीजिए, आवाज बाहर तक आ जा रहा है। सर अब हमरा से कैमरा ना हो तो हमारी कुछ देर आए हैं राज बना तो सचिन जी जान मार देते अंदर से। का करेगा कैमरामैन, थोड़ा बर्दाश्त करो ना, जनता के सब डिमांड ना है, निकालने दो जरा प्रतिशा, कंट्रोल में रहो, कैमरा अपना चालू रखो, कखनो निकल सकता है। कैमरामैन फोकस कीजिए। तो बहुत लेट किए सचिन जी बाहर निकलने में। कहा कीजिएगा सर, हमको पेट खराब हो गया था 2-3 दिन से। ओ तो हम अटपट चैनल से आए हैं सचिन जी आपसे सवाल करने के लिए। तो पूछिए सर जी, हम सवाल पूछने के लिए आपको अटल पटल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत हम करेंगे। तो हम आपसे ही पूछना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के महिला को अब हिंदुस्तान क्यों लेकर आए हैं? हम रुकिए सर, हम तुरंत आते हैं। बड़ी कस करो। समझ में नहीं आ रहा है सर, एकदम बार बार अंदर हिल जा रहा ना, पूरा केवड़िया हिल रहा है सर, जरा जल्दी सोइए, जल्दी सोइए।